ये क्या, तुमने शर्ट अभी तक प्रेस भी नहीं की? तुम घर में पूरा दिन करती क्या हो? मैं पूरा दिन ऑफिस में जाकर मेहनत करता हूँ, तुम होके एक छोटा सा काम भी टाइम पर नहीं करती हो। देखो, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घर पे बैठ के कोई मौज नहीं करती हूँ। घर पे भी बहुत काम होते हैं, उसमें से एक आधा काम रह गया तो कोई गुनाह नहीं हो गया है। खैर, मैं अब प्रेस कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो हमेशा की तरह एक ही जवाब होता है कि मैं भूल गई। और तुम पूरा दिन घर में करती ही क्या हो? इतनी मुश्किल से मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा सारा का सारा मूड स्पॉइल हो गया। दिन भर दफ्तर में सर खपाता हूँ, तब जाकर मुश्किल से कहीं हाथ में 35,000 आते हैं, तब जाकर ये घर कहीं चलता है। और तुमसे तो एक काम ठीक से नहीं होता। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा कि घर के काम आराम से हो जाते हैं, उसमें सिर नहीं खपाना पड़ता, या कोई बाहर से आके कर जाता है? इतनी तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं है कि तुम एक मेड अफोर्ड कर सको। सुबह से लेकर रात तक मैं काम में लगी रहती हूँ, उसमें से कोई एक काम भी रह जाए ना तो तुम्हारे ताने सुनने पड़ते हैं मुझे। वाह वाह, क्या बात है, मतलब मैडम जी से अब कुछ कहो भी नहीं, कुछ कहो तो मैडम जी को ताने लगते हैं। और वैसे भी ठीक से काम नहीं करोगी ना तो सुनना तो तुम्हें ही पड़ेगा, और कुछ कमाती नहीं हो, दिन भर घर में आराम ही फरमाती हो। अरे तुम तो हर बात पे बोलने के लिए तैयार रहते हो, कोई एक मौका भी नहीं छोड़ते हो। और जहाँ तक बात इस घर को चलाने की है ना, तो इस घर को चलाने में मेरी भी कमाई शामिल है। तुम्हारी भी कमाई? तुम कहाँ काम करने जाती हो? अरे ले दे के बच्चे और घर ही तो संभालती हो, जरा मैं भी तो सुनूं, तुम्हारी कौन सी कमाई इस घर को चलाने में काम आती है? ठीक है, तो आप सुनिए, झाड़ू पोछा और बर्तन के 3,000, कपड़े और खाना बनाने के 8,000, दोनों बच्चों को संभालने के और उनका होमवर्क कराने के 5,000, और बहुत से ऐसे छोटे मोटे काम हैं जिनके पैसे मैं आपको गिनवा नहीं रही। अगर मैं गिनवाने पे आई ना तो तुम्हारी पूरी सैलरी कम पड़ जाएगी, अगर हिसाब किताब लगाना आता है ना तो चाहे लगा के देख लो। ओहो, अब मतलब तुम घर के कामों का हिसाब बता रही हो मुझे, इन सब कामों के पैसे बता रही हो? ये सब तुम्हारी ड्यूटीज हैं, तुम्हारी कमाई नहीं, और इन सब कामों के भी तुम्हें पैसे चाहिए मुझसे? देखो प्रेम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये जो हमारा घर है, जो इतने अच्छे से चल रहा है ना, उसमें सिर्फ आपकी कमाई शामिल नहीं है, उसमें मेरी मेहनत भी शामिल है। अगर मैं ये अपना सारा काम छोड़ दूं ना तो आपकी कमाई आधे महीने में ही खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? ये सारे काम करके प्रेम मैं पैसे बचा रही हूँ, चाहे मैं काम करने बाहर नहीं जाती, पैसे कमाकर घर नहीं लाती, मैं ये सारे पैसे बचाकर एक तरह से कमाई कर रही हूँ, और बचत भी कमाई की श्रेणी में ही आती है। लेकिन आपकी नजरों में ना तो मेरी काम की कोई कीमत है और ना ही कद्र। हम दोनों की मेहनत में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आपको आपकी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं और मेरी मेहनत का कोई पैसा नहीं।